हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रिपिटल फोर्स अगर आप समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, तो वो जो बॉडी है वो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाती है। जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। और वही बॉडी जब वो जो फोर्स बाहर की तरफ लगाती है, सेंटर से बाहर की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखते हैं, देख सकते हैं कि अगर आप एक कोई पत्थर लें और उसको रस्सी से बांध के उसको ऐसे घुमाएं, तो घुमाने पर वो जो पत्थर होगा वो गोल गोल घूमेगा, एक ही पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ। तो वो जो पत्थर होगा वो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा। फोर्स कौन सा होगा? जैसे कि पत्थर हमारा मूव कर रहा है तो उसमें एक एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन और फोर्स का क्या रिलेशन है? एफ इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स जो होता है वो हमारा लगता है इनसाइड टूवर्ड्स सेंटर, जो फोर्स लग रहा है इसको हम बोलेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। और उसी पत्थर की वजह से जो आउटसाइड, जो सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कहेंगे। दूसरा एग्जांपल हो सकता है, या जब कोई आप अगर साइकिल चलाते हैं तो सर्कुलर पाथ में सेंटर की तरफ बेंड हो जाते हैं, तो ये हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। या आप बस में बैठे हो तो आपकी बॉडी लेफ्ट या राइट मूव करती है, जब बस लेफ्ट या राइट मूव करती है, तो यहाँ पर हमारा सेंट्रिपिटल और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगता है।